Ladies and gentlemen, thanks for sharing this magical evening with me. Thanks. Tremendous, man. Thanks, Ling. See you. Yeah. Bye. Good night. See you guys. Hi, Dad. Kaisa raha? It was a great show. You yaar, ishq farma rahe ho? Hey, flashback, Dad. Maa ke bare mein yaad kar rahe hai. Hey. Dad, tell me. आप तो शायद घंटों मेरे लगातार माँ से बात करते होंगे। घंटों की क्या बात करते हो? Then? हम तो कई दिन तक बात करते थे। हाँ, कभी कभी तो हम आपस में देखते ही रहते थे। ये प्यार जो है, लफ्जों से बयान नहीं कर सकते, तस्वीर भी नहीं बना सकते, अपने दिल से महसूस करना होगा। चुप हो जा। अच्छा, तुम कब महसूस करने वाले हो? मैं चाइनीज गर्ल्स। सो व्हाट? डैडी, मैं तो सोचता हूँ बी इंडियन लव इंडियन। बंदर को छोड़ोगे तो ही सुधरोगे। शट अप। नहीं, इसको। लिसन टू मी मुरली, कैंसिल ऑल द अपॉइंटमेंट्स। कॉलेज खत्म हो गई, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ। सो व्हाट अबाउट टुमारो? हु अवे? यस। लेकिन थोड़ा खून बह गया है। अच्छा, तुम्हारा भी पॉजिटिव है ना? टेक हिज ब्लड। मुझे डर लगता है। अरे कुछ नहीं होगा, जाओ। Give me a break, Thomas. Thomas, I'll call you back. Sorry. Okay, Dad. I heard it first time. Hereafter, I won't drive faster. Okay? ठीक है, तुम जाके बोल के आ जाओ। डॉक्टर के पास जाके कैसे बोलूँ मैं? जाओ ना। Okay. Why don't you sit down? I'll come back. Yeah. Good afternoon, Doctor. Hey. मजा करता है। स्टूपिड। अच्छा, तुम्हारे पिताजी को दवाइयाँ दी हैं, उसे बराबर देते रहना। कार में सारे दिन मत घूमते रहना, समझ गया ना? या। ए, किधर देख रहा है? जरा रुक, ये ले। डैड। अरे कुछ नहीं होगा, ले ले। ऐश कर, चल, कम ऑन। यस। ठीक है, ये ले, आप तो पी सकता है ना? सॉरी, ये ब्रांड में नहीं पीता हूँ। थैंक्स। मुझे क्यों इस तरह थैंक्स बोल रहे हो? पिताजी वापस देने के लिए। मैंने क्या किया? ट्रीटमेंट किया और क्या? एक महीना, इट वॉज टेरिबल। हॉस्पिटल की महक बर्दाश्त नहीं हो रही है? नहीं,
डैडी हॉस्पिटल में, मैं घर में। कुक भी नहीं है, खाना नहीं है, इसीलिए तो जल्दी शादी करने के लिए बोल रहा हूँ। अंकल एंजॉय करने के लिए तो बहुत है, एंटरटेनमेंट है, लेट नाइट है, मूवीज है, पढ़ता हूँ, उसके बाद ड्रेसिंग, आई मीन आई हैव सो मेनी थिंग्स टू डू। अच्छा, पिताजी के बगल में बैठा के रेस्ट करते हो? अकेला भी करता हूँ। पर बहुत स्पीड चलाते हो, यू कैन गो स्लो, थोड़ी स्पीड तो कम कर सकते हो। स्लो में जाऊंगा, पीछे वाले तो फास्ट आएगा ना। आप क्या कह रहे हैं? अगर कुछ हो गया तो? बस इतना ही, फोटो लगाना, माला चढ़ाना, सिर्फ दो दिन अंकल, दैट्स ऑल। एक्सीडेंट को इतना आसानी से लेते हो? डेथ उससे भी इजी है। तुम्हारे लिए इजी है, सपोज मुझे कुछ हो गया तो? यू विल बी लकी, आई विल बी हैप्पी। अंकल ग्रेट आइडिया। मेरी माँ से तुम खुश होते हो, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अंकल क्या जिंदगी जी रहे हैं, जरा सोच के देखिए। रोज सुबह आउट कर आप, हॉस्पिटल आते हैं, आने के बाद डीएनए, वार्ड बॉय, नर्स, पेशेंट, ऑपरेटिंग थिएटर, पिताजी, मैं, बोर नहीं होते। डेथ इज फ्रीडम। फ्रीडम, यही तुम्हारे पिताजी के साथ हो जाए तो? हाँ, ही स्ट्रांग, उनको नहीं होगा। आ रहा है डॉक्टर, आपके मरने की खुशी मैंने जाता है, इसलिए आप ऐसा बता रहे हैं। यू नो समथिंग, यू आर फनी बट डोंट जोक, मजाक करते हैं डैडी के बारे में। लुक राजा, साइंस इज नॉट ए जोक। कहना क्या चाहते हैं? नॉर्मल ब्लड टेस्ट करने के बाद रिजल्ट से पता चला कि अननोन सेल ग्रोथ हो चुका है। उसे जब मैग्नीफाई करके देखा गया तो एमएस कंफर्म हो गया। एमएस मतलब? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। व्हाट्स मल्टीपल स्क्लेरोसिस? आमतौर पर ठंडे प्रदेशों में ये बीमारी पाई जाती है, वो भी लाखों में किसी एक को होती है। उन लाखों में संजीव कुमार एक है। ये अपना संजीव को कैसे हो गया? पिताजी को क्या हुआ है? लैब से कल्चर रिपोर्ट आ चुका है, सेल फ्यूजन स्टार्ट हो चुका है। यूं समझ लो कि पल पल ये बीमारी बढ़ती ही चली जाएगी। नहीं नहीं नहीं, जरा मुझे समझा के बोलिए, मैं सेल फ्यूजन समझा नहीं। मेरे हिसाब से वो सिर्फ 60 दिन का मेहमान है, 61वां दिन शरीर का सेल्स काम करना बंद कर देगा, उसके बाद सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, और उस दिन जैसा कि तुमने कहा, तुम्हारे पिताजी को मुक्ति मिल जाएगी। 60 दिन? यस। क्या अंकल? डैम इट, आप इस तरह यहां बैठे हैं, कुछ करना चाहिए ना। अभी पैसा ला कर देता हूँ, बैंक जाता हूँ, फैक्ट्री भेजता हूँ, मुझे अपना बाप चाहिए। पत्थर बन के बैठे आप। अरे रे रे रे, चिल्लाओ मत, ट्रीटमेंट होता तो मैं नहीं करता, तुम सिस्टर बहस करता। अरे आज ना वो तुम्हारा बाप है, उससे पहले वो मेरा दोस्त है। नथिंग कुड बी डन, नो नथिंग। पिताजी को जानते हैं ना? नहीं जानते। अगर जान गए तो? इस बीमारी की यही खासियत है, आखिरी स्टेज तक पता नहीं चलता है, न उसे पता चलता है, न किसी और को पता चलता है। अब मैं क्या करूं? सिर्फ दुआ ही कर सकते हो। देखो, जहां दवा काम नहीं करती वहां मोहब्बत काम करती है। मेक हिम हैप्पी, कीप हिम हैप्पी, गो अहेड। इन 60 दिनों में तुम उन्हें इतनी खुशी दो जो आज तक उन्हें किसी ने ना दिया हो, और वो तुम दे सकते हो। देखो, जहां दवा काम नहीं करती वहां मोहब्बत काम करती है। मेक हिम हैप्पी, कीप हिम हैप्पी, गो अहेड। डैड, Thank you.
आई डिड। क्या हो रहा है ये? What's happening? हॉस्पिटल है ये? This is not a mental asylum. What the hell is happening here? क्या हो गया तुझे? क्या हुआ यार? ऐ सुनो। डॉक्टर। इधर आना। इधर आइए। क्या हो गया? ओल्ड फ्रेंड बोलना चाहिए था। अरे चल चल। प्रवेश करना है। उनको लेके जाओ। रैंपा पाम पाम। लेके लेके जाओ। बाय। उसमें क्या है जो बहुत ध्यान से देख रहे हैं? अपने गांव की याद आ रही है। गांव की याद? इसी तरह का बड़ा घर, बड़ा कुटुंब। शाम होने पर सभी इकट्ठा हो जाते, जिसको देखो हंसी मजाक करता। आई एम मिसिंग एवरीथिंग। डैड, हम अब गांव जाएंगे। आ? नहीं। क्यों? 25 साल हो गए, एक चिट्ठी तक नहीं लिखा। जहां तक उनका सवाल है, मैं गुम हो गया हूं। जैसा है वैसे ही रहने दो। डैड, ऐसा नहीं है डैड। मैं चाहता हूं मेरे रिश्तेदार मुझे पहचाने और मैं उन्हें पहचान। व्हाई डोंट यू गो ओवर देयर? ओके बोल दीजिए, ओके बोल दीजिए, ओके 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 प्लीज। ओके नो। ओह डैड, वहां देखिए कचमचा बिल्डिंग्स, कंक्रीट जंगल्स, कलर लाइट्स, यही ना? डैड, आप बार बार बोलते थे ना, कच्चा कच्चा रास्ता है, बैलगाड़ी है, वो बड़े बड़े क्या है, बड़े बड़े पेड़ हैं। हाँ, कहाँ है? ताड़ का पेड़। हाँ, वही वही। और उसके बाद वो गांव की दूसरी तरफ बड़ी बड़ी झीलें और उसमें गांव के खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ। वो तो ठीक है। ठीक है, थैंक्स डैड। नो नो, मैं सब कुछ ठीक करता हूँ। टिकट, वीजा, एवरीथिंग। आई जस्ट कम बैक। नो, व्हाट? डोंट गेट ओवर एक्साइटेड। जब मना कर रहा हूँ तो छोड़ दो ना। नो प्लीज, सॉरी। आप अगर खुश नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा। ओके 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 या यहाँ ओके या वहाँ ओके। यस डैड, थैंक यू। डैड, मैंने तुझे पहले ही बताया था यहाँ कारवार नहीं चलेगी। सुने तब ना। इसी रोड से आप स्कूल जाते थे? नहीं नहीं, हमारे घर के पास स्कूल थी। अरे संभल के, गाड़ी आ रही है। हाँ मैं जानता हूँ। अब फंसा। घर से भागे थे संजीव कुमार, भागे थे बिलाय, भागे थे। एंजॉय। पिताजी, रामू, हे अंदर जा, बोला ना अंदर जा। मैंने सिर्फ रामू को अंदर जाने के लिए कहा, सबको नहीं। पिताजी, क्या कह रहा है? आपकी कुछ समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं समझा। अच्छा चल। हे, कहाँ जा रहे हो?
मैंने उनको वापस भेज दिया। किसे किसे भेज दिया? कहा ना उनको वापस भेज दिया। किसी ने उनको अंदर बुलाया तो अच्छा नहीं होगा। कहना था कह दिया। दीदी। भैया रुक जाओ। तुम कैसी हो दीदी? छोड़ो मुझे। कितने साल हो गए, ये तक नहीं पता तू जिंदा है या मर गया। क्यों हमारे साथ ऐसा किया तूने? मेरी छोड़, कभी अपनी दो छोटी बहनों का ख्याल नहीं आया तुझे? सुगुणा, I'm sorry. बानू, गलत क्या है सही क्या है बहस नहीं करूंगा। अंदर जाके बात करेंगे। चलिए भैया। तुम अंदर बुला रही हो, वो बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं। गायत्री के साथ घर में आने के लिए मना किया था, लेकिन मैं अकेला आया हूँ। आई हैव कम अलोन। वो अंदर तो बुला सकते थे ना? उन्होंने झुका, गुस्से में नहीं कहा। वो तो मन ही मन यही चाहते हैं कि तू हमारे घर की शादी में शरीक हो। 25 साल का गुस्सा है, नहीं जाएगा जल्दी। अच्छा ये बता, गायत्री कहाँ है? समझ गई, तू अंदर आ। दीदी मेरा बेटा। अरे अपने साले साहब, जो भी हो आप शादी में आ ही गए। आपका नाम अनीता? सुगुना और भानुमति? नहीं, सुगुना बानु। भानुमति सुगुना, सुगुना बानु, नो सुगुना बानु, ये सुगुना और ये बानु। सुगुना बानु। पहले तू अंदर जाओ और आरती की थाल लेकर आ जाओ। उसको तो कोई लाज शर्म नहीं है, लौट कर वापस आ गया। तुम्हारी मत्ती मारी गई थी, बेशरम बेशरम। इतना कहने के बावजूद उससे बात कर रहे हैं। इस घर में मेरी कोई इज्जत नाम की चीज ही नहीं है। हट। पेटी मुझे दे। तू वहां जाके खड़ा हो जा। अब एक मिनट, सब कुछ भूल गया हूँ। राजा आ बेटा। वो आ गया, मतलब मुझे जाके मिलना चाहिए। साथ में आया वो मेरा पोता है, बड़ा आ गया। जा रे जा। दीदी तुम्हारा बेटा? हाँ है ना। अरे साले साहब, वो कहीं पढ़ा होगा। हाँ ये मेरी बड़ी बेटी, कॉलेज में बहुत बड़ी पढ़ाई कर रही है। चलो आशीर्वाद लो। खुश रहो बेटी, खुश रहो। भैया ये मेरी छोटी बेटी राधा और ये बड़ी बेटी चित्रा। इसकी शादी है ना? तुम बहुत खुश नहीं थी वो बेटी? मेरी शादी में कोई नहीं आया था, कम से कम तुम्हारी शादी में भाई सब आए हैं। आओ आशीर्वाद लो। खुश रहो बेटी, विश यू ऑल द बेस्ट। थक गया होगा, जाके नहा ले। ठीक है दीदी, आओ साथ में खाना खाते हैं। चलते हैं। लड़की रुक, क्यों रे? आरती के पैसा ले लिया उसके और बिना देखे निकल रही है। साले साहब इतने दूर से सफर करके आए हैं, इनके लिए कुछ ठंडा उंडा लेके आओ। चल जल्दी आ। लेकिन ये लड़की कौन है, किसी ने भी नहीं बताया। ये क्या है साले साहब को अपना मोहन था ना, मोहन जो यहाँ पे रहता था, ये उसकी बेटी है। ओह माय, मोहन की बेटी है? मोहन को जानते हैं आप? क्या बात करते हो, वो घर का नौकर था लेकिन मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। इस घर के लिए उसने बहुत कष्ट उठाए हैं। अच्छा उसका देहांत हो गया सुनने में आया, और ये लड़की यहाँ घर में कुछ काम वाम? साले साहब इस घर में इस लड़की की वही अहमियत है जो बाकी लोगों की अहमियत है, क्योंकि लोग इसे अपनी बेटी की तरह पाल रहे हैं। अच्छी बात है। ठीक है बोलो चले गए। क्या वजन है यार। ये
फिर घर की मान मर्यादा और अपनी बहन की जिंदगी से अगर तुम्हारा प्यार ज्यादा बढ़कर है तो एक काम करो, मैं तुम्हें साफ साफ कहता हूँ, उस लड़की को कहीं जाके छोड़ कर आओ या फिर उसके साथ कहीं भाग जाओ। उसके बाद अपना मुंह मुझे कभी मत दिखाना। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। पिताजी पिताजी बोलता है सब नाटक। गुड्डा बोल रहा है क्या? हाँ, मैं ही बात कर रहा हूँ। ए, तुम्हारा नाम क्या है? रेखा। और तुम्हारा नाम क्या है? निशा। लगता झूठ बोल रहा है। ए, तुम्हारा नरेश है ना? नहीं, मुकेश। छोटे, तेरा नाम? हरीश। तेरा? हेमलता। हाँ, गुड। और आपने अपना नाम बताया है? गाड़ी। कितनी प्यारी बातें करते हो। ये मैं नहीं, ये बेको बोल रहा है। हाय। आप ही बात कर रहे थे? यस। आप? राजा, तुम्हारी दादी का दादा का बेटे का बेटा। ओह, फॉरेन से आए हो? नहीं नहीं नहीं, आज आपके पार्टी। फ्रेंड्स। फ्रेंड्स। मैजिक कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, कुछ करके दिखाइए ना। ओह माय गॉड, जा जा जा। ए अभी ऐसा उंगली रख के दो हो। ये सब तो ठीक है, हमारे घर के पप्पी जैसी बातें कर सकते हो? तुम्हारे घर के पप्पी क्या, सबके घर के पप्पी जैसे बोल सकता हूँ। बिन लैडर के घर के पप्पी जैसी बातें? हाँ साले साहब, लगता है अफगानिस्तान में जाके पकड़ लिए बम डाल के। ये क्या भैया, ये कैसे कैसे मैजिक दिखा रहा है? इसने एमबीए की पढ़ाई की है ना? जब तुमने पूछा तो मुझे भी शक होने लगा है, ये एमबीए पढ़ा है या एमबीएम पढ़ा है? डैड, एमबीएम मतलब मास्टर ऑफ ब्लैक मैजिक। ऐसे ही कुछ ना कुछ करते ही रहता है, डांस करता है, मैजिक करता है, गाना गाता है, वेंटिकुलेशन करता है, मिमिक्री करता है, लेकिन एक काम वो बिल्कुल नहीं जानता। वो क्या साले साहब? खाना बनाना। 15 years dead, breakfast, lunch, dinner, breakfast, lunch, dinner, breakfast. Okay, okay, okay. He is a good cook. राजा में कोई कमी नहीं है, हाथ में उसके बहुत कलाएं हैं। अगर नौकरी ना मिली तो कहीं जगह पर एक टेंट डाल के अपना काम चला सकते हैं और मैं भी जान हो जाऊंगा। आपको सब करने का कोई इरादा नहीं है? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे आप तो बुरा मान गए। ये शोर शराबा कैसा? राजा नाराज। सोचा एक पनौती से छुटकारा मिल गया, लेकिन ये तो उससे भी बढ़कर है। आधा भगवान आधा शैतान, दोनों को मिला है तो क्या। हाँ, आप सारी बातें करते हो तब दादाजी को देख के डर। अरे रे 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 रे, भगवान किसी किसी को बहुत देता है लेकिन छीन लेता है। बच्चों को बहुत तकलीफ देगा लेकिन साथ नहीं छोड़ेगा। ये क्या है रे? दादाजी बहुत शुरू होने वाला है।
अरे नहीं 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 बाप से ज्यादा चर्बी दादा की देन है। ए एस्केप एस्केप भागो 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 चलो जल्दी चलो जल्दी। तेरा नाम क्या है? राजा कृष्ण कुमार। वो तो मेरा नाम है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कुटुंब के बारे में कुछ भी नहीं जानता और कुटुंब का नाम लगा लेता है। कुटुंब के साथ मिलजुल के नहीं रहते। आपका नाम रखकर ये मेहरबानी मेरी है। अब तो आ गए हूँ ना? आ गया मतलब पुरानी बातें भूल जाऊं? लेकिन मैं तो नया हूँ ना, मेरे खातिर आप पुराना सब कुछ भूल सकते हैं ना? ओह शिट, जो देने आया था भूल गया। क्या है? वॉकिंग स्टिक? आपका एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंड। कितनी बार इस घर वालों को कहा था कि मेरे लिए वॉकिंग स्टिक लेके आओ लेके आओ, लेकिन आज तक कोई भी नहीं लाया। तुम वाकई समझदार हो। थैंक्स अ लॉट। देख लिया ना दादाजी, नए के आते पुराने को भूल दिया। इसी तरह आप मेरे पिताजी के ऊपर पुराना गुस्सा को थोक दीजिए। ये तो बाहर की चीज है, उठा के फेंक सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पिताजी की बातें जो सीने के अंदर है वो आज भी ताजा है। मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। नहीं दादाजी, मेरी खातिर थोड़ा। तेरे लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ। आ बेटे, आ बेटे, आ देख तेरे लिए मैंने क्या क्या खरीद के रखा है। तेरे जन्म के 5 महीने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि मेरा एक पोता भी है। उस दिन से आज तक तू नहीं जानता मैं किस तरह तेरा इंतजार कर रहा हूँ। कब आएगा तू? ऐसे देख, जब तू 1 साल का था तब मैंने खरीदा था, 2 साल, 3 साल, 4 साल। जब भी इस घर के बच्चों के लिए खिलौने खरीदने जाता था तेरे लिए भी मैं खरीदता था खिलौने। मुझे पूरा भरोसा था तू एक न एक दिन इस अवसर पर जरूर आएगा। एक मिनट ठहर बेटे, ये मैंने तेरे लिए खरीद के रखा था, कुर्ता पैजामा। अच्छा है ना? अच्छा है दादाजी। ये मेरे लिए और पिताजी के लिए। अगर तू उसके बारे में बात करेगा तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, कह दिया। नहीं दादाजी, नहीं दादाजी, इस मुझको क्या लगाकर बड़ा किया यही पूछा। तेल लगाकर इसे बड़ा किया। तेल लगाकर। क्यों बेटे, क्या देख रहे हो? नहीं, डायरेक्टर हॉलीवुड। हाँ, अमेरिका जा रहे थे, रास्ते में थक गए तो यहाँ पे रूम डाल के हमेशा के लिए सेटल हो गए। सुन बेटे, थिएटर में पर्दा उठते ही पिक्चर दिखता है, यहाँ पर्दे के जरिए पिक्चर दिखता है। कहाँ जा रहे हो? बहुत बड़ा डायरेक्टर है, अंदर मिलकर चलते हैं। चलो चलो डायरेक्टर साहब। हाय शिपू। अबे कहाँ है कि शिप? रूम में शिप आ रही है, चाचा नहीं पुकार सकता? सुनो बेटे, ये बहुत बड़े घर का बेटा है, डायरेक्ट कटर, बचपन से कह रहा है फिल्म बनाऊंगा फिल्म बनाऊंगा, अभी तक स्टूडियो नहीं देखा है। चाचा जी, ये कोई परिचय कराने का तरीका है? मुंबई में फिल्म बनाएंगे तो चलेगी क्या? सबसे पहली फिल्म यही बनी थी। माई सील्स। आई सी, कितने पिक्चर डायरेक्ट किए हैं? पिक्चर बनाने से पहले मिली है। ऐसा है क्या? यस 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 सर, ये मैं समझना, मुझे फिल्म की जानकारी है, इसके अलावा बहुत और जानकारी भी है मेरे पास। सच पूछा जाए तो मैं एक जनरल नॉलेज की किताब की तरह हूँ। इस दुनिया में आप जो कुछ नहीं जानते हैं उसे भी आप जान सकते हैं। इस तरह की पुस्तक को इसका पूरा कुटुंब मिलकर जलाना चाहता है। इसका मूल कारण यही है क्योंकि मैच बॉक्स इसके पास है नहीं। तो क्या है कि मामा जी, मैंने क्या क्या के पुकारा हूँ? बच्चा, कजिन कहो अंग्रेजी में। यू फूल, आई एम मिस्टर कजिन। आप विलायत से आए, मेरे लिए कुछ तो लेके आए होंगे। कजन, मेरी सलाह मानिए, अगर आप बात कम कर देते हैं, नो नो नो, अगर आप बात बिल्कुल बंद कर देते हैं तो बहुत बड़े डायरेक्टर बनेंगे। इसे भी रख ले। दूध। ओह थैंक यू। मेरे पिताजी को आप जानते थे? मोहन, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। ऐसा क्यों पूछ रही हो? मैंने नहीं देखा। देखे नहीं? अरे ऐसे कैसे, घर में तो बहुत सारे एल्बम्स हैं, किसी ने दिखाया नहीं। ठीक है, समडे विल शो यू। ओके, हाय, क्या है ये? दूध, पिताजी ने देने को कहा। डैड, अपना परिचय नहीं दिया। मोहन जी की बेटी। आपके पिताजी भी उन्हें जानते थे। नाम क्या है? पायल। और आपका? इंग्लिश।
पिताजी का नाम है फ्रेंच, माँ का नाम है स्पेनिश। हे, तुम ऑस्ट्रेलियन हो? चची, मैं तो आयरिश हूँ। एक्सक्यूज मी, यू आर ब्रिलियंट। तुम बहुत बुद्धिमान हो, इसे मेंटेन करना। सुनो, मेरे बारे में जरा जोर से तारीफ करा। करता हूँ, करता हूँ। ये मत समझना सिर्फ देखने में पागल लगते हो, सचमुच पागल हो। सुन, सिर्फ तुझे ही ये ड्रेस एकदम सूट कर रहा है। थैंक। चला दूंगी। वाव। या थैंक्स। वो एल्बम शादी हो जाने तो दूंगा। कौन सी एल्बम? उन्हें सीख कर बुलाइए। मामा को बुला रहे हैं। पिताजी, आप ही को बुला रहे हैं। ओ, बजाओ बजाओ। डैड, लाइव शो है क्या? लाइव शो? व्हाट लाइव शो? हम आपके हैं कौन? ओह, थैंक यू। किस लिए? फिर से इन सब से तुमने मिलाया। मुझे आपको थैंक्स कहना चाहिए। यहाँ आने के बाद दादा, पूपी, फूफा, उनके बच्चे, इन सबको इकट्ठा देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, ये हाथ में क्या है? Just a game. Game? Yeah! Dad! Dad! हमें भी इस खेल में शामिल कर लीजिए। हाँ, हम फैमिली के लोग खेल रहे हैं, आपसे बाद में खेलेंगे। लाओ। क्यों, हमें शामिल नहीं करेंगे? उन्होंने कह दिया ना, जाओ। हमारे साथ खेलने के लिए जिगर चाहिए। ए, किसके साथ जिगर की बात कर रहा है तू? मामा, आ जाओ। ये लड़े
आप ले जाइए ना, जाइए मेरी बात मानिए भैया। खेल बोले तो ऐसे हाय हाय अब फल खा लो, दूध भी पी लो, भूख अपनी मिटा लो। ओ माय गॉड, पन्ने पड़ रहा है। ये दूध खत्म। अरे और तो खत्म हो गया। दूध में चर्बी कुछ ज्यादा ही है, घटानी पड़ेगी नहीं तो सेहत खराब हो जाएगी। दूध भी होगा, फल भी होगा, लेकिन भूख नहीं लगेगी। आइए, किसके नाम आरती? और किसके लिए? मेरे भाई के लिए। सिमर आती है, आज इसका जन्मदिन है। ओहो, जो संजीव कुमार भाग गया था, आज के बाद नहीं भागेगा, उसके लिए आरती कर देता हूँ। अगर भागे थे तो इसे क्या हो रहा है? पुजारी है इसलिए चुप रह गई। बड़ी रफ्तार से भाग गए थे, देर आए दुरुस्त आए। वो नहीं आई, चुप नहीं रह सकते। आशीर्वाद दीजिए पिताजी। मेरे पर क्यों? कृष्ण जयंती में किसका जन्म हुआ था? कृष्ण भगवान का जन्मदिन था। क्या कृष्ण भगवान सबसे जाके आशीर्वाद लेते हैं? सब तो उन्हीं के पास जाके आशीर्वाद लेते हैं। ये भी कुछ ऐसा ही है। हैप्पी बर्थडे।
Here we go. राजा, राजा इधर आ। क्या? मेरा पोता है, फॉरेन में पढ़ रहा है। सॉरी, इन्हें मैं नहीं जानता, मैं इनका पोता भी नहीं हूँ। ठीक है, आप जाइए, बड़ा शरारती लड़का है। राजा, राजा, कहाँ, कहाँ? सुन रहे? तूने सबके सामने मुझे कहा कि मैं पागल हूँ, उसका मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन तूने ये कहा कि तू मुझे पहचानता नहीं, इस बात का मुझे बहुत दुख हो रहा है। हे, ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे? क्यों रे? मैं तुझसे पूछे ही जा रहा हूँ और तू मुड़के उस तरफ सो रहा है कि मुझसे बात नहीं करेगा? मेरी बातें तुझे सुनाई नहीं दे रही है? बात कर मुझसे। अरे जा रे जा, मुझसे ज्यादा चर्बी चढ़ गई तुझे। तू सोचता है कि मैं एक दिन तेरे से आके बात करूंगा? ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों रे, मुझसे बात नहीं करेगा? बात नहीं करेगा? ए, तू आया तब से मैं बहुत खुश हूं और सबसे अच्छी बातें कर रहा हूं। तेरी खामोशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ए, तुम्हारा खामोश रहना मुझे कुछ दर्द हो रहा है ना? आधे घंटे से बात नहीं के दिल चल रहा है ना? सिर्फ दो हफ्ते से आप मुझे जानते हैं, 20 साल बीत गए। कितनी आशा लेकर मेरे पिताजी आए हुए हैं आपसे बात करने के लिए, आप मुखर गए। इस वक्त वो किस हाल में है वो सिर्फ मैं जानता हूँ। उसने बहुत गलत किया। आपने उन्हें बाहर निकल देते, वो आपकी गलती। वो सब कुछ भुला कर आपके पास आए हैं। आ गए बात करने के लिए। ठीक है, माफ कर दिया, ऐसा जगह बोलो उनसे। वो हरगिज नहीं होगा। तो हम लोग वापस जा रहे हैं। क्यों रे? तू एक ही है जो मुझे समझ पाया और आखिरी दम तक मेरे साथ रहेगा सोचा था। बहुत अच्छा सिला दिया तूने अपने बाप की तरह। जा रे जा, पीछे से टेलीग्राम आएगा। टेलीग्राम आया तो भी नहीं आऊंगा। पुरानी बातें भूल नहीं पा रहा हूँ मैं। ओहो, मैं नया नया आ गया इसलिए मेरे पिताजी पुराने हो गए। मैं चला गया तो पिताजी से बात करेंगे, यही ना? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मुझे धमकी दे रहा है? नहीं दादाजी, आपका मुंह खुलवाने का और कोई रास्ता नहीं था। कम से कम मेरी मरने के बाद उनसे बात करना दादाजी। अरे 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 अरे, छोटे मालिक देखो, ऊपर से नीचे गिर गए। दादाजी, एक मिनट में सारे पुर्जे हिल गए ना? हिला के रख दिया। अरे मर गया मैं एक सेकंड के लिए। ऊपर आ तू, ऊपर। ये नहीं होगा। तू पहले ऊपर आ रहे। पिताजी से बात करेंगे तो आऊंगा। बात करूंगा, अब तो आ जा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। एक मिनट दादाजी, एक मिनट, हाथ दीजिए। संभल के राजा। राजा, ओह माय गॉड, तूने अपने बाप पर जितनी इज्जत रखी है उतनी मैं अपने बेटे पर रख नहीं पाया राजा। इसका मतलब आप बात करेंगे? ठीक है, ऊपर आ जा। गुड, मेरे सामने। ओह गॉड, दादाजी, आपका बेटा, बात कीजिए। दादाजी, अच्छा मौका है दादाजी, बात कीजिए। आई लव यू। जाओ। मैं यहाँ क्या गलत है क्या सही है बहस करने नहीं आया हूँ। मैं जब से यहाँ आया हूँ आप मुझ पर गुस्सा है, मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं। आपका जो गुस्सा है वो आपकी हद तक ठीक है, लेकिन दूसरों के लिए नहीं। वो मेरे साथ 20 साल से जी रहा है, वो भी अकेला। यहाँ के रिश्तेदारों से मिलने के बाद ही इज हैप्पी, वो खुश है, ही इज एंजॉइंग। उसकी खातिर मेरे से बात करने का नाटक कीजिए बस। अगर आप मुझसे बात करना पसंद नहीं करते, आई एम लिविंग, दैट्स ऑल। रुक जाओ बेटे, खाना खा लिया? नहीं पिताजी। नहीं खाया? 1 बज गया और तू अब तक भूखा मर रहा है। चलो दोनों मिलके खाना खाते हैं, चलो। अच्छा।
अच्छा है। जो भी हो मैया ले लेके खाते रहो। आओ 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 भाई साहब आओ बैठो। भाई साहब आइए बैठिए। सुनो दोनों खड़े हो जाओ। ये क्या बोल रहे हैं? क्या मामा ड्रामा? दोनों खड़े हो जाओ। कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ चुप कर। जब मेरा बेटा यहाँ पर खाना खाएगा तब इस टेबल पर और कोई नहीं होना चाहिए। पिताजी हमारी भी कोई इज्जत है। दामाद जी दोबारा हम कभी इस टेबल पर बैठ कर खाना नहीं खाएंगे। चलिए भाई साहब चलिए बाहर जाके खाते हैं। कहीं दूर चले जाओ बेटी। दादाजी इधर आओ। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सबको जाके बुलाओ। पिताजी क्यों शोर मचा रहे हैं? तुम लगे रहो। एक एक की चाल तो देखो, एक एक के तेवर तो देखो। क्या हुआ पिताजी? क्या हुआ? एक नहीं तीन तीन इधर हो, लेकिन मेरे बेटे को कोई खाना नहीं डाल सकता। भैया पिताजी खड़े खड़े मुँह क्या देख रहे हो? जल्दी से जाके उसकी फेवरेट डिश लेके आओ। जल्दी जाओ जल्दी जाओ ना। वो नहीं पिताजी, वो हमेशा देर से मेरे सामने ही खाएगा। जल्दी से लेकर आओ। और लाओ। रख दिया ना? अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ। नहीं पिताजी, हम थोड़ा परोस भी देते हैं। कह दिया ना मैंने। दादाजी मैं खाना, मेरे बेटे की देखभाल करना मुझे अच्छी तरह आता है। तुम लोग जाओ यहाँ से। पिताजी प्लीज खाओ ना बेटे, काफी है। आप नहीं खाएंगे? मैं बाद में खाऊंगा। पसीने छूट रहे हैं, बिजली भी नहीं है। हे खड़े खड़े क्या देख रहा है? पंखा लेके आ। टुकुर टुकुर क्या देख रहा है? जल्दी से ला पंखा। थोड़ी और सब्जी भी ले लो। काफी है। ये क्या? मैंने पंखा लाने के लिए कहा था, तुम खिलौना लेके आ गए। ओ सॉरी। डायरेक्टर दादा, तू कभी फिल्म नहीं बनाएगा। कम से कम हम दोनों का फोटो तो खींच ले जल्दी। दादाजी आपने स्टिल की अनुमति दी, उसके लिए बहुत शुक्रिया। देखना देखना देखना। टिश टिश टिश। हाय रब्बा हाय रब्बा। दोनों एक साथ फोटो नहीं खिंचवाए? तुम्हारे पिताजी। उनकी उनकी नाक मेरे जैसा ही है, लेकिन गाल और माथा मेरे जैसे नहीं है। तुम अपनी माँ पर गई हो, गुण में अपने पिता पर। मोहन बहुत अच्छा आदमी है। ये फोटो मैं रख लूँ? थैंक्स। गॉडनेस पायल बहुत खुश लग रही है। बात क्या है? जुट 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 जुट। आंखें तितली की तरह फड़फड़ा रही। सास तो बहुत ठंडी लग रही है। यू आर हैप्पी, इसका मतलब घर में गाय ने बच्चों को जन्म दिया है, या तो खेल में जीती हो। हे व्हाट दिस? मुझे दे दीजिए। अरे मेरे पिताजी का फोटो क्यों रखा? बाजू जो खड़े वो मेरे पिताजी हैं। ठंडी ठंडी सास के पीछे यही रास्ता क्या? ऑलराइट, तुमने अपने पिताजी को देखा नहीं था ना, जी भर के देख लूं। और एक बात, उन बच्चों के हाथ लग गए ना, डर जाएंगे। मेरे पापा के बाजू खड़े हैं, इसलिए तुम्हारे पिताजी देखने लायक। पायल पायल। अरे अरे क्या कर रही हो? आपने मेरे पापा को दिखा दिया। थैंक्स। क्या हुआ भाई साहब? पायल आपके पांचों के बहुत खुश होकर जा रही है। वो अपने पिताजी की फोटो मांग रही थी दिया, इसलिए थैंक्स बोल के जा रही है। ओह माय गॉड, शी इज जस्ट अमेजिंग। जब से आया हूँ देख रहा हूँ, सुबह से लेकर शाम तक घर के सारे काम कर रही है, सबकी देखभाल कर रही है। एक लड़की में जो गुण होने चाहिए वो सारे गुण इस लड़की में हैं। आप देख लीजिए, जिस घर में भी ये बहू बनकर जाएगी मंदिर बन जाएगा।
सास ससुर को किसी तरह की चिंता नहीं होगी। वैसे जो भी लड़के से शादी करेगा वो किस्मत वाला ही होगा। दिल की पुकार सुनकर उठने वाले बुझाने पर भी नहीं बुझने वाले क्या कहा? ये आपके लिए बोली। समझ गया। कॉफी। थैंक यू। खुशबू अच्छी। मैं तुम्हें पसंद हूँ क्या? तुम्हारा? Cousin, what thinking? सिगरेट? सिगरेट नहीं 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 मैंने छोड़ के 5-6 साल हो गए। मतलब कहानी नहीं चाहिए? कहानी? हाँ चाहिए, एक अच्छी फैमिली कहानी चाहिए। है क्या है क्या है क्या? बता दो। एक प्यारी सी जगह, एक प्यारे से पिताजी और उनका एक प्यारा सा बेटा। बाप बेटे के रिश्ते से बढ़कर उन दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती थी। इतनी बड़ी तकलीफ है, तुमने मुझे नहीं बताया? इतने दिन सीने में दबाए रखा था, अब सहा नहीं जा रहा। घर में हर कोई मौजूद है। ऐसे हालत में तुम्हारी अगर शादी हो जाती तो तुम्हारे पिताजी बहुत खुश हो जाएंगे। मैं तुम्हारे घर वालों से लड़की ढूंढने के लिए कह दूं? देख ली। देख लिया क्या? वो भी पिताजी की पसंदीदा लड़की। कौन है लड़की? पायल। पायल? हमारी पायल? अरे वो तो बहुत अच्छी लड़की है, कोई अड़चन नहीं। अभी घर वालों से कह के तुम्हारी शादी की तैयारी करता हूँ। वो मेरे दिल में है, मगर उसके दिल में मैं हूँ। या अगर मेरे प्यार को जबरदस्ती तुम लोगों ने उसके गले में बांध दिया और उसने इनकार कर दिया तो मेरे पिताजी को एक अच्छी भाव की कमी रह जाएगी ना। सिर्फ यही इच्छा पूरी करने के लिए मैं
जी दूर मेहनत कर रहा हूँ। इस पैर के खातिर मैं आखिरी दम तक इंतजार करूंगा, लेकिन तब तक पिताजी सबको ये भगवान है ना, वो बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन लगता है भगवान को मेरे पिताजी बहुत प्यारे लगने लगे, इसलिए जल्दी बुलावा आ गया। सुनो, जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हें उठाने के लिए, प्यार करने के लिए तुम्हारे आसपास दादा दादी मामा इस तरह के सब लोग हुए होंगे ना, लेकिन मेरे पास कोई भी नहीं था। लेकिन मेरे पैदा होने के बाद मुझे उठाने के लिए, नहलाने के लिए, खिलाने के लिए, यहाँ तक कि भोजन खिलाने के लिए भी सिर्फ मेरे पिताजी हुआ करते थे। मुझे मेरे पिताजी चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। देखो, मैंने सोचा तुम कोई नई कहानी कहोगे, लेकिन तुमने अपने घर की कहानी कह के मुझे एकदम रुला दिया है। उनको कुछ नहीं होगा मेरे कजिन। ज्योतिष जी, आपने जन्म कुंडली तो देख ली, लेकिन उसकी आयु के बारे में कुछ नहीं बताया। सुनिए, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपके बेटे संजीव कुमार को 90 साल तक कोई संकट नहीं आएगा। 90 साल तक कोई संकट नहीं आएगा, इसका कारण भी शुक्र ही है। राहु और केतु इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं डालेंगे, इसके लिए 90 साल तक जिंदा रहेगा ये। ये दक्षिणा तुम अपने हाथ से जाके दे दो। यस। हे! डॉक्टर, मेरे बेटे को बचाने का कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। नो, आई डोंट वांट टू बिलीव दिस। वो मेरे लिए ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। साइंस झूठ नहीं बोलता यार। तब तो तुम झूठ बोल रहे हो, है ना? उसको वो बीमारी है, तुमने कैसे जान लिया? हाउ डिड यू डू दैट? तुम्हें खून की जरूरत थी और उसने दिया। नॉर्मली पेशेंट को ब्लड देने से पहले टेस्ट कर लेते हैं, और उस टेस्ट के बाद उसमें एक अनडिफाइंड सेल पाया गया है। कल्चर करके देखा तो एमएस कंफर्म हो गया है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ही इज यंग डॉक्टर, छोटा बच्चा है वो।
आई नीड माय सन, आई नीड हिम। तुम कुछ भी करके बचा लो। ए, इसका कोई इलाज नहीं है यार। करोड़ों में किसी एक को ये बीमारी होती है। ये तुम्हारे बेटे को कैसे? What am I supposed to do? मेरे लिए और कौन है? मैं क्या करूं बोलो? देखो, वो जिंदा रहेगा तो सिर्फ 2 महीना। इन 2 महीनों में उसे खुशी दो, अपने सारे रिश्तेदारों से उसे मिला दो, बट आखिरी लम्हे तक उसे पता नहीं चलना चाहिए। Come on, doctor. Come on. It's not a child's play. You know he is intelligent. अगर वो जान गया तो मैं क्या करूं? इसकी चिंता तो मत करो। इस बीमारी की खास बात यह है कि आखिरी समय तक पेशेंट को पता नहीं चलता है। जिसे है उसे भी पता नहीं चलता और रिश्तेदारों को भी पता नहीं चलता। नहीं, तुम गलत सलाह दे रहे हो। I am not an actor. मेरे मुंह से निकल जाएगा। मैं कैसे उसे, बचपन से उसे मैंने कोई कष्ट दिए बगैर पाला है। इतने सालों से उसे मैंने हंसते खेलते देखता आया हूं। अब जाके अब कुछ दिन जो बचे हैं, मैं उसे कष्ट उठाते देख नहीं सकता। I can't do that. डॉक्टर, अगर ऐसा करेंगे तो वो बीमारी मुझे है बोल के मुझे खुश रखने के लिए बोल देना। मतलब? जरूर मुझे खुश रखेगा, तब मैं उसे खुश होते हुए देख सकता हूँ। कुछ दिनों के लिए ये खुशी मुझे दे दे प्लीज। पागल की तरह बात मत करो। उसे मैं पागलपन की हद तक प्यार करता हूँ। लिसन डॉक्टर, अगर सच्चाई छुपानी है तो तुम्हें अपने प्रोफेशन के साथ गद्दारी करनी होगी। तुम ये झूठ बोलोगे, इसके अलावा मुझे कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। प्लीज प्लीज। जो दवा मैं लिख के देता हूं उसे जाने में खिलाते रहना। थैंक यू। हाय डैड। अच्छी बारिश है ना? या आसमान रो रहा है कैसे कर? ऐसा क्यों कह रहे हैं? बादल दुखी हो सकते हैं। हो सकता है। डैड, एक जोक सुनिए। बेटा स्कूल नहीं गया था तो बाप बोला अगर कल स्कूल नहीं जाएगा तो उसका बाप जाएगा। अगले दिन बेटा अपने बाप को पूछा, पापा आप स्कूल क्यों नहीं गए? सिली जोक। जोक सुनकर नाराज तो नहीं हो गए? हे, एक और जोक है। पुलिस स्टेशन में एक बॉडी लिख रहा है। डैड, डैड। आपको चुपचाप देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं देखती हूँ। ये हाथ मत लगा, करंट मार दिया तो। ए, तू चुप कर। हाँ, मैं संभाल लूंगी। ए, बात सुन। देख, ये देख भैया क्या कर रहा है। हेलो, एनीबॉडी होम? हे बच्चे, टीवी देख रहे हैं, करंट चली गई है। कौन है? तुम यहाँ हो?
सॉरी नहीं नहीं मैं नहीं नहीं कुछ नहीं ऐसा तुम यहाँ क्या करो बस करना <याना भी। हाय। अब आपको क्या चाहिए? मैंने क्या पूछा, भूल गई क्या? कुछ और बात करें। ठीक है, पप्पी दे दो ना। हाँ? पप्पी देने के लिए कहा। पप्पी वाला खेल? कल छोटे बच्चों के साथ बैठकर पप्पी दे दो, पप्पी दे दो, पप्पी दे दो, पप्पी दे दो खेल रही थी ना। उसके बाद दादा के लिए, दादी के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए और कुत्ता के लिए सबको दे दिए। मुझे भी एक दे दो ना। नहीं दूंगी। तो बोलो। क्या बोलो? आई लव यू बोलो। तुमसे बोला नहीं जाएगा ना। एक हाथ में भी सामान, दूसरे हाथ में भी और कुछ। मैं मदद करता हूँ। I love you. Thanks. शुक्रिया। किस लिए? I love you कहने के लिए। मैंने नहीं कहा। झूठ बोल रही तुम। अभी तो बोल रही थी। तुम बहुत मीठी हो। I'm so happy. मेरी जान। मैंने नहीं कहा। भी बच्चों में बच्चा बन गया हूँ, तुम देख लेना। तुम्हें अब से अंकल नहीं, जोकर अंकल बोल के बुलाएंगे। जोकर अंकल? डैड, इतने दिनों से तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया सब? ये सब तो आपके लिए कर रहा हूँ डैड। ओके।
वो नाच रहा है और तू भी उसके साथ मिल गया। और ये क्या हुलिया बना रखा है हाँ? बहुत नाच गाना हो गया, नीचे सब इंतजार कर रहे हैं, जा खा ले। अरे रे ठीक से जा वरना दूध बिखर जाएगा, जा। बहुत बदमाश है ये। क्या तू अभी तक उसे छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करता है? देख उसकी शादी करवा दे, इस समय हम सब लोग एक साथ हैं, हमारा कहना मान भी लेगा। तेरी शादी तो हम देख नहीं पाए, कम से कम इसकी शादी देख के मन को तसल्ली तो पहुंचेगी। मेरी भी यही इच्छा है, लेकिन उसकी मनपसंद लड़की मिलनी चाहिए ना। हाय लवा। हे यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जाकर के यहाँ बैठ के अलग से बात करते हैं। ए क्या हुआ, मुझसे बात नहीं करोगे? ओ ये लो, ये खूबसूरत दिल तुम्हारे लिए मैं लेकर आया। ए ए ये क्या कर रहे हो? ए ओ ओ ओ आग लगा रही हो? अरे बाप रे। लगाओ, बस मैं तुम्हें देखते रहूंगा। बेटी पानी लेकर आया हूँ। आप इधर है, मैं डाल दूंगी। मैं डाल देता हूँ। नहीं मैं डाल दूंगी। नहीं मैं डाल देता हूँ। दूंगी मैं आकर डाल दूं क्या? नहीं नहीं मैं डाल दूंगी। क्या हुआ? हाय दिल की आग बुझाने के लिए पानी फेर दिए। गर्मी को ठंडा करने के लिए बर्फ रखा जाता है। मैं बर्फ रख के प्यार कर रहा हूँ। ए, ए सुनो, सब काम ठीक से चल रहा ना? हाँ जी चल रहा है। ठीक है, इस तरफ भीग कर क्यों आया है? डैडी स्नान कर रहे हैं ना, इसलिए मैं भीग गया। अभी मैं भीगा हुआ हूँ ना, इसलिए डैडी पूछ रहे हैं। राजा कहाँ जा रहे हो? डैडी को भूख लगी इसलिए खाना खाने जा रहा हूँ। तेरी तो नहा लिया क्या? सुनो ये क्या कर रहे हो, ना जो कि तुम ठंडा पानी पी रहे हो? बेटा खा लिया ना इसलिए पानी पिया। अरे तेरी तो रुक जा। अच्छा बेटा, अच्छा पोता। Hey, one second, tell me. प्यार करने से डरती हो? खैर चलो शादी कर ले, उसके बाद कभी जिग-जिग नहीं करना, ओके? डील कैसा रहा? समझ गया। कंफ्यूज होती जा रही हो। मंदिर जाना है, घंटी बजानी है, पूजा करनी है, गाना गाना है, इसलिए जा रही हो? क्या? ओफो, गॉड! ए पायल, wait a second. मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो? Hey. तुम्हारे गांव के ट्रेलर सही नहीं है, बराबर सिलते नहीं। मुझे पसंद करती हो? पसंद नहीं है। तो फिर तुम्हें क्या पसंद है? कुछ भी मुझे पसंद नहीं। You don't like me? अंग्रेजी मुझे नहीं आती। चाइनीज में, रशियन, जापानीज, जिस भाषा में तुम समझती हो उसी भाषा में बोलूंगा। हेलो, मैं चीनू बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। कैसे हो? ठीक हूँ। हर रोज दवा छिपा छिपा के दे रहा हूँ, बहुत तकलीफ हो रही है। वो तो अच्छी तरह खुश है ना? इट्स द अदर वे, वो मुझे खुश कर रहा है। सुनो मेरी बात, एक महीना क्रॉस कर गया है, बीमारी फर्स्ट स्टेज क्रॉस कर गई है। नर्वस वीकनेस, धीरे धीरे सर में दर्द, बॉडी में जर खाएगा। एक और खास बात, कभी कभी उसकी आंखों से रंगों में काफी कुछ फर्क नजर आने लगेगा, कालापन छाने लगेगा, विजन में होल होने लगेगा। सुनो यार, वो हमेशा रंगों में छाया रहता है, उसका ख्याल रखना। ओके, आई टेक केयर। तुम जरा भी फिक्र मत करना यार, मैं उस बीमारी के जितने भी टेस्ट हो सकते हैं मैं कर रहा हूँ यार। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, ओके? तुम अपना ख्याल रखना, बाय। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तपस्या। अपने आप को समझते क्या है? जेम्स बॉन्ड। पहले यहाँ से बाहर जाइए। बाहर जाएंगे तो तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा। आपको ऐसे बोलेंगे तो समझेंगे नहीं। बेटी ये आवाज कैसी? बाप रे, दादाजी क्या हुआ? बच्ची रो रही। मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ? वो बाथरूम डर गया। बाथरूम डर गया है क्या? मुझे तो लगता है कि तू खुद डरी हुई है वहाँ।
तू जल्दी से दरवाजा खोल के बाहर आ जा। दादाजी क्या पूछ रहे हैं? मैंने आपसे पहले कहा था अब दादाजी खड़े हैं, अब जाइए। रुकिए। तुम क्या चाहती हो? मैं जाऊं या रहूं? जाइए, सबको मालूम हो जाएगा, मैं अपनी जान दे दूंगी। अब क्या करूंगा मैं? सब लोग आ गए ना? हाँ जी, आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। चलो। मेरी दिल जीतने के बाद भी तुमने अच्छी तरह से मुझसे नहीं पहचान रही हो। पायल, मेरी बात सुनो, ये सब छोड़ो। मुझे एक अच्छी बीवी मिले या ना मिले, लेकिन मेरे पिताजी को एक अच्छी बहू मिलनी चाहिए, ओके? अरे अरे, ये क्या? नाइस। ये क्या है? कल एक कपड़े की दुकान में गया था। ये सब छोड़ो, इसे तुम पहनना मेरी खुशी के लिए। अगर इसे तुम पहन लेती हो तो मैं समझूंगा तुम्हें मुझे अपना है। ये लो। अगर तुम ये नहीं पहनोगे, मतलब सिवाय इसकी और कुछ पहनने के लिए नहीं है। ए, रुक जाओ। ये आप ले जाइए, मैं आप ही से बोल रही हूँ, ये आप ले जाइए। बस करो ये सब। Give me a break. हमेशा परेशान करती रहती हो। आप जबरदस्ती कर रहे हैं, कोई हमें देख लेगा, आप इसे लेके। तोहफा कभी वापस नहीं लिया जाता, समझी? और सुनो, तुम्हारे दिल जीते बिना मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। डर गई। Oh my God! आप समझा? इस तरह बात करने के बाद भी वर्कआउट नहीं हो रहा। मुझसे शादी करोगी ना? ओके। सॉरी। रोना नहीं, शादी करना जरूर, ओके? शादी के लिए रो रही हो? माफ करना मुझे। ओके। ओह माय गॉड। कभी कभी उसकी आंखों से रंगों में काफी कुछ फर्क नजर आने लगेगा, कालापन छाने लगेगा। अरे ये उसी स्टेज में ही है। आप बलून लेकर आए थे क्या? बहुत कुछ लेकर आया था, मगर आप फुला के दे क्यों नहीं देती हो दीदी? ऐसे ही रखोगी तो बेकार जाएगा। अब तुम ये बलून मुझसे मांगोगे है ना? क्या बात कर रही है, ला इधर। फ्री में कुछ नहीं मिलता है। सॉरी, चलेगा। पैसे चाहिए, ढूंढना पड़ेगा। 50, 100, 100, 150। जल्दी जल्दी, नहीं तो ब्याज बढ़ेगा। बहुत तंग करती हो तुम यार। ये लो 150 रुपए। यही बात तो तुम्हारी मुझे बहुत पसंद है, ठीक है? ये अंकल सचमुच के पागल होंगे। 50 पैसे का बलून है, लेकिन 150 रुपए देके लेके जा रहे हैं। बड़ी हो जाऊंगी ना तो कोने में बैठ के जब बलून फुला रही होंगी, तुम आके वो बलून मांगोगे ना तो वो बलून हरगिज तुम्हें नहीं दूंगी। क्यों, समझ गए ना चश्मेश? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सांस। किसकी सांस? पायल की सांस। कितना? रेट तो वही है।
बार्गेन कर लेंगे। ठीक है, जो देना है वो दे दो। देता हूँ। सांस गया। शरारती बच्ची, दोबारा ऐसी गलती तू करेगी ना तो ऐसे पकड़ के, ऐसे डाल के, ऐसे करके यूं मचल के जाओ यहां से। जाओ। सांस। हेलो। सुनो, मैं चीनू बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? कल पेपर में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है, ग्रीनलैंड मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में इस बीमारी का इलाज किया जा रहा है। ओह, सच बोल रहे हो? वहाँ के डॉक्टर से कांटेक्ट करके मैंने राजा के लिए अपॉइंटमेंट ले रखा है। ओह गॉड इज ग्रेट। तो ठीक है, व्हाट डू यू वांट मी टू डू? अब मैं क्या करूँ बोलो? मैं तुम दोनों के लिए टिकट भेज रहा हूँ, जल्दी से तुम दोनों यहाँ जाओ। खामोश क्यों हो गया यार? भगवान के देश एक चांस मिला है, ट्राई करके देखने में हर्जी क्या है? ओके ओके ओके, आई विल ट्राई। दैट्स गुड, टिकट मिलता ही फोन करना। ठीक है, ओके। माय गॉड। राजा सुनो तो। अरे कहाँ भाग रहे हो राजा, संभल के। अरे राजा, क्या हुआ तुम्हें? ए कम ऑन, गेट अप ऐसे, गेट अप। ये क्या बच्चों की तरह खेल रहे हो? डिड यू हर्ट एनीवे? तुझे यहाँ लोगों के साथ खेलते खेलते बोर हो गया होगा, इट्स टाइम टू गो बैक। डॉक्टर का कई बार फोन आ चुका है, मैं वहाँ अकेला बिजनेस नहीं संभाल सकता। वहाँ जाने के बाद कई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने होंगे। सुनो, हमसे पूछे बगैर उसने टिकट भेज दिया है, आज या कल सुबह तक वो टिकट आ जाएगी। आई थिंक हमें फौरन यहाँ से जाना होगा। चलो चलो, गो एंड पैक। ये बिजनेस नहीं चाहिए, मैं यहीं रहूंगा। क्या बिजनेस मुझे नहीं चाहिए, यही रहूंगा, यही कह रहा था। बिजनेस नहीं चाहिए, सबको देखने की आदत थी, आए देखे, वी हैड ए नाइस टाइम, इजंट इट? अब यहाँ क्या रखा है? ये मैं लिख कर पढ़ा नहीं सकता और बोलकर आपको समझा नहीं सकता। ये सब महसूस करने वाली बात है डैड। डॉक्टर, टिकट तो आ गए हैं लेकिन यहां से कैसे निकले समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। नहीं, क्या है कि राजा पिताजी इन लोगों को समझा कर यहाँ से कैसे निकले हैं, वही। Ah!
सा गेम खेल रहे हो? कलर गेम। अच्छा, मुझे साथ में खेलने दोगे? कलर। ऑरेंज टी-शर्ट वालों को हम गेम में नहीं रखते। हां, ओके 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 ओके। कलर कलर व्हाट कलर डू यू चूज? कौन सा कलर? हां? कौन सा कलर? व्हाइट। अरे रे 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 रे, इससे आने से पहले तो सारे बच्चे मेरे साथ ही तो खेला करते थे। आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे देख के जा बच्चों, कितने प्यारे बच्चे हैं मेरे। अरे शैतान बच्चों, बहुत खूब। अरे तुम्हारे लुंगी लेके चले गए। ओके 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 ओके। कलर कलर व्हाट कलर डू यू चूज? ग्रीन। कमान। मैं आपको नहीं चलूंगी। कमान। अभी पकड़ूंगी आपको। ओह गॉड। या। चलो अभी पकड़ती हूँ। कहाँ भाग रहे हो अंकल? कम कम कम। देखो मैं आ गई। अंकल आप कहीं भी भागे, देखिए मैं आपको पकड़ ही लूँगी। नहीं पकड़ सकते। देखिए देखिए देखते हैं कौन जीतता है। ये कौन सी कलर है? या क्यों संजीव, रिंग ग्यारह कट हो जा रहा है? फोन रख के कहाँ चले गए थे? क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? मुझे टेंशन हो रही है, तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं है? देखो सिचुएशन को अच्छी तरह मैनेज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? क्या नहीं कर रहे तो छोड़ो, राजा को संभाल रहे हो ना? सुनो दोस्त, ये सोचने का समय नहीं है, राजा की बीमारी बढ़ती जा रही है। ये बीमारी बड़ी तेजी से बढ़ती जाती है, वो अपने आखिरी दौर से गुजर रहा है, उसकी भूख बिल्कुल कम होती जाएगी, अभी उसे इस बात का एहसास नहीं होगा, सब ऊपर वाले के हाथ में है। बी केयरफुल यार। सर में दर्द होगा, जहां भी देखो सारे रंग धीमे पड़ेंगे। हाँ, आंखों में अंधेरा छा जाएगा, नर्वस सेंसिटिविटी आ जाएगा। ए, ये बातें मैं कितनी बार बताऊंगा,
जब उसे धुना नजर आने लगेगा तो सारी बातें बाहर आ जाएंगी। किसी भी तरह उसे लेके आओ यार। ए दोस्त, वो मेरी बड़ी इज्जत करता है यार। मैंने जो कहा उसे पता चल गया तो बहुत बुरा हो जाएगा यार। ए, हर एक मिनट उसकी जिंदगी के लिए बहुत कीमती होता जा रहा है यार। ओके, मेरे पेशेंट मेरा इंतजार कर रहे हैं। ऑल कीप इन टच, निकलने से पहले फोन कर देना। बाकी चीज मैं देख लूंगा। ओके डियर, बी कूल, टेंशन मत लेना। बाय बाय डॉक्टर। कोई बीमारी नहीं है जानकर मैं कितना खुश हूं, आप नहीं जानते। I am so happy, really I am so happy। और सच्चाई जानकर आप बहुत परेशान थे ना। संजीव कुमार, मेरी बीमारी को आपने अपनाया और उसका दर्द मुझे दिया। मैं आपको खुश करता जा रहा हूं और मेरी खुशी को आप अपना रहे। स्काउंडल, गुड गेम डैड। बाप बेटे ने अच्छा गेम खेल रहे थे। You know, जानते हो संजीव कुमार, एक एक पल मैं अंदर अंदर जलता गया और तुम्हें खुश करता गया। और इस सच्चाई को अपने दिल में दबाकर तुम मुझे खुश रखने के लिए हंस रहे थे। मौत से मैं डर नहीं रहा हूं, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरे बगैर तुम कैसे जी पाओगे, यही सोचकर मैं दुखी हो रहा हूं। बस यही डैड। एक कॉमिक जानते, उस कबोर्ड में एक कैलेंडर रखी है मैंने, आपके लिए एक एक पन्ना मैं उसे फाड़ता हूं। लेकिन आज मैं जान पाया ये काम मैं अपने लिए ही कर रहा हूं डैड। अगले जन्म में हम अपने रिश्ते को बदल देंगे। ओके, आप मेरा बेटा होकर जन्म लेना और मैं आपका बाप बनूंगा। ओके, मुझसे आप ये राज रखकर खुश रहना चाहते। ओके, आखिरी वक्त तक ये राज ही रहेगा। ऑल राइट, प्रॉमिस डैड। बाय। अरे क्या हुआ, आंखें लाल क्यों हैं? आंख में कुछ लग गया है। अरे रुको तो, कौन सी आंख? इसमें। फीलिंग बेटा? अंदर में चुभ रहा है। अरे रुक ना, रुक रुक, आंख खोल। ओके थैंक्स। ठीक है, जाओ जाओ, सेल चार्ज में रखा था, ले लूंगा। या मैं हूँ मौत का फरिश्ता। हाय कजिन। हाँ, चम 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 चम। बहुत खुश लग रहे हो। हाँ, वो क्या है, एक नया क्लाइमेक्स रेडी किया है। डॉक्टर ने डैडी को चेक करके कह दिया उनको कुछ भी नहीं है। कैसी कही? अरे रे 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 रे, बहुत खूब है। उससे भी अच्छा क्लाइमेक्स है। क्या है बता मुझे? वो बीमारी बाप का नहीं है, बेटे का है। ये कैसे रहेगा? या कोई शक कजिन? मजाक नहीं है, टेक इट इजी। ये क्लेमिस मुझे बहुत अच्छा लगा। हे, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। प्रॉमिस कजिन।
हमारी कहानी का वो प्यार हो गया, चला गया, सॉल्व हो गया। ए डेट इट्स गॉन पायल, तुम्हें आजादी मिल गई। तुम मुझे पसंद करती हो ना? राजा तुम्हें पसंद है? अपने मन की बात उसे बताने जा रही हो? 25 साल पहले इस घर की सारी खुशियां एक प्यार छीन के ले गया। जब हम लौट कर आए तो खुशियां भी लौट कर आई। ऐसे लगता है हर दिन इस घर में दिवाली है। कल हम लोग जा रहे हैं फिर से एक प्यार इस घर की खुशियों को। क्या हुआ? गलत है प्यार करना? अरे नहीं, मैं प्यार का दुश्मन नहीं हूं। खुशियां देने के लिए आए सो दे दिए। जब हम वापस लौटेंगे तो हम चाहते हैं कि सभी उसी खुशी के साथ में भेजें। इसीलिए बोल रहा हूँ। इस परिवार वालों पे जो मेरे एहसान हैं, इस वजह से मैंने ये बात छुपाई। ये बात तो मैं खुद भी नहीं जानती। पता नहीं, यही प्यार है। सच्चा प्यार इंतजार करके जीतेगा। आप कहते हैं तो ठीक होगा। शिकायत का मौका मैं नहीं दूंगी। थैंक यू अंकल। आप वापस जरूर आएंगे ना? जरूर वापस आएंगे।
इस परिवार के लिए नहीं, तुम्हें लेकर जाने के लिए। बारिश में भीगने की आदत नहीं गई क्या? आप भी डैड, आई हेट दिस प्लेस। सूखा हुआ जगह है ये, एक तो कच्चा रास्ता, ऊपर से बैलगाड़ी, और रास्ते में क्या है वो ताड़ का पेड़। हाँ ताड़ का पेड़, गांव के बीच में एक तालाब है और पूरी गंदगी से भरा हुआ है। सो बोरिंग डैड। डैड चलो हम कहीं चलते, कलरफुल लाइफ, वंडरफुल गर्ल्स, डिजिंग डिस्को, फास्ट कार्स। नो 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 नो, गिव मी ब्रेक। नो, वी आर नॉट गोइंग। पुरानी बातें भूलकर पिताजी बात करने लगे हैं। कुछ दिनों से वो बहुत खुश हैं, वो क्यों बिगाड़े? अगर हम जाना चाहेंगे भी तो वो जाने नहीं देंगे। मैं उनसे बोल नहीं सकता। डैड, मैं जाकर दादाजी से बात करता हूं। नो, एक बार कोशिश तो करने दीजिए। जब मना कर रहा हूं तो छोड़ दो ना। ओके। अगर आपके लिए ओके ना तो मेरे लिए भी ओके। ओके, वहां के लिए ओके या यहां के लिए? डैड, आई लव यू डैड। राजा, राजा संभल के। पिताजी, आओ बेटे, तुम्हारे साथ बात करने की सोच रहा था मैं। कल शहर गया था, जायदाद के बारे में वकील से बात की है, आज डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे। कल सुबह ठीक 10 बजे तुम बाप बेटे अगर रजिस्टर ऑफिस आ जाओगे तो मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगा। पिताजी, वो बेटियों के लिए जो कुछ करना था वो मैं कर चुका हूँ, तुम उसकी चिंता मत करो। वो बात नहीं है, जल्दी में मेरे बाप दादा ने जो किया वही तो मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा और कुछ चाहिए क्या? गांव वापस जाना है। हाल ही में तो जाके आए हो तुम। नहीं पिताजी, मैं और राजा हांगकांग जाना चाह रहे हैं। विदेश जाना है? जाना जरूरी है, वो तुम्हारी मातृभूमि है क्या? अपने परिवार के साथ रहना पसंद नहीं, उनसे दूर रहना चाहते हो? सारा बिजनेस वहीं छोड़ के आ गया हूँ मैं, जाके सेटल कर। जान मुझ कर तुम काम अधूरा छोड़कर वहाँ आए हो और हम सबको धोखा दे रहे हो। बोलो, बोलते क्यों नहीं? मैंने तो सोचा सब कुछ वहाँ छोड़कर तुम अपनों के साथ रहने आए हो, अब समझ में आया कि तुम सिर्फ यहाँ घूमने आए हो। ये कोई धर्मशाला है? नहीं पिताजी, मैं और राजा जाके सारा बिजनेस सेटल करके वापस आ जाएंगे। बस, बहुत मनमानी कर ली तुमने। बेटे, मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा पोता यहाँ पर छोड़कर जाओ, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। पिताजी क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? ऐसा मत बोलिए पिताजी, बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए पिताजी। अपना ख्याल रखना। देख लिया, देख लिया, इसलिए तो सिर्फ काम मैं जा रहा हूँ, और ये तो पूरी तैयारी करके पेटी लेके आ गया है। इनके लिए तो बिजनेस और पैसा ही सब कुछ है, अपना पर नाम की कोई चीज ही नहीं इनके अंदर। सुन, यहाँ पे इतनी जायदाद है कि 7 पीढ़ियां बैठ के खा सकती हैं। वहाँ विदेश जाके कमा के हमारे बेटे को पालने की कोई जरूरत नहीं है तुझे, हम इसे संभाल के रख लेंगे, चाहे तो तू चला जा।
दीदी तुम भी पागल जैसी बातें कर रही हो। मैं जाने की बात थोड़ी कर रहा हूं, मैं जाके वापस आऊंगा कह रहा हूं ना। वहां का सारा बिजनेस वैसे का वैसे ही पड़ा है, वहां जाके सेटल करके वापस आ जाएंगे। क्या है भाई साहब, आपकी शादी तो देख नहीं पाए, कम से कम इसकी तो शादी देख लेंगे, कुछ दिन रुक जाइए ना। जी शादी आकर भी उस दिन से लेके आज तक तेरी वही जिद है, तुझे जाना है तो चला जा, इसे यहीं छोड़ दे। सुनिए बुआ जी, हांगकांग में मेरा कॉलेज सर्टिफिकेट वगैरह सब है ना, यूं ही पड़े हैं, वो सब मैं ठीक करके सब लेकर आता हूं, उसके बाद मैं यहां। वही दो, उसी का तो खून है वैसा ही तो रहेगा। जाने वालों को जाने दो, तुझे जाना है तो चला जा यहां से, तेरी कोई जरूरत नहीं यहां पे। अरे हाथ मत लगा, अरे इसको जरा भी दया नहीं आती हम पर। मौका बात को तुम आगे बढ़ा रही हो और बेकार में झगड़ा कर रही हो मुझसे। मैं बेकार का झगड़ा कर रही हूं? मैं क्यों घर छोड़ के गया, तुम क्या जानती हो? बताओ क्यों गया? और तू है कि मुझसे झगड़ा लड़ाई बहस कर रही है, मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं जान रहा हूं कि तुम क्या बोल रहे हो आप लोगों से, तब कौन ख्याल रखा था इन सब का? अभी तक दादाजी दीदी भानी करके शांत हो जाओ। अब और कोई झगड़ा मैं इस घर में नहीं चाहता, पता नहीं और कितने दिन तक ये सास चलेगी। सबको अपनी अपनी खुशी प्यारी है, उसी में मेरी खुशी है। अपने बेटे को तो मैं अपना बेटा कह सकता हूँ, लेकिन बेटे के बेटे पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। तुम लोग राजी खुशी जाकर आओ, तुम लोग यहाँ पर नहीं रहे तो क्या होगा? इस चार दीवारी के अंदर मेरी सास घुटती रहेगी और मैं इस दुनिया से चल बसूंगा। दादाजी कम से कम उस दिन तो आओगे ना। क्यों इसी बहकी हुई बातें कर रहे हैं? मैंने कहा ना वापस आएंगे, जरूर हम वापस आ जाएंगे। जिंदगी के बाकी वक्त हम आपके साथ गुजारेंगे, क्यों डैडी? यस, ये वादा बिल्कुल मेरे लिए इतना ही काफी है। ये क्या है दादाजी? ये आयुष माला है, ये मेरे दादा और उनके दादा पहनकर ही 100-100 साल की जिंदगी जिए हैं। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं, अब तो तुम विलायत जा रहे हो, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इसीलिए मैं तुम्हें पहना रहा हूं। थैंक यू। दीदी बहुत शुक्रिया परमिशन दिलाने के लिए। रहने दे, तूने आइडिया दिया था मैंने वैसे ही किया, कहीं ज्यादा एक्टिंग तो नहीं कर दी ना? सॉरी। हाँ इट्स ओके। मेरे भरोसे हजारों कर्मचारी हैं, बेटे की पढ़ाई है, बिजनेस बीच में छोड़ रखे हैं, उसके सर्टिफिकेट लेने आने हैं, ऐसे सब कहने की वजह से छोड़ दिया। ठीक है ठीक है, दोनों जल्दी जाना, सारे काम निपटा के आ जाना जल्दी से, समझ गए? बोल दे रहा हूं वापस आऊंगा। ओए जाना जरूरी है? हाँ जी। तो मेरी बात नहीं मानोगे? सॉरी जी। आजकल बड़े लोगों की बात कौन मानता है? बड़ी यही दादी घर की। ये नीचे उतारो, नीचे उतारो। जगा कर दूं? हाँ। नहीं बेचारे बूढ़ी मैजिक। वन सेकंड। तुम सब लोग जाकर अंकल को बाय बोलो, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। आशीर्वाद दीजिए दादा। देखो राजा, तुम राजी खुशी इसी तरह वापस आना यही मैं चाहता हूँ। अपने काम सब निपटा के जल्दी से आ जाना। मैं भी जाके आता हूँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। आंटी कुछ भूल रहा हूँ मैं। बाय। कजिन हे यार, जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना और बाकी सबका भी।
कहानी का क्या हुआ? सब फिलअप कर लिए? हाँ ठीक कर दिया। वो राजा का कैरेक्टर है ना, वो यहाँ से सीधा विदेश जाता है और सीधा वापस यहाँ आ जाता है। वापस आते उसके घर वाले मिलकर उसे जो लड़की पसंद थी उसे शादी करा देते हैं। उसमें ढेर सारे बच्चे पैदा होते हैं, उन सबकी शादी होती है और पोते पोती पैदा हो जाते हैं और ये दादा बन जाता है। वो दादाजी है ना पीछे दरवाजे के पास बैठ कर दीपावली मनाते हैं। मैं कहानी वहाँ से आरम्भ करता हूँ। कैसी रही कजिन? एक और खुशखबरी है, उसका एक बहुत बढ़िया टाइटल है। बताऊं क्या? किंग। हाय। हे छोटी दादी। सांस। छुट्टा नहीं है। पैसे नहीं चाहिए अंकल। दीदी ने देने को कहा था, प्रॉमिस। ओए, लड़की फंसते ही पुरानी सारी बातें भूल गए क्या? बाय बाय। कुछ नहीं, मेरा दिल है। इसे अगर तुमने रख लिया तो मैं समझूंगा तुमने मुझे अपना लिया। आपके वापस आने तक मैं इंतजार करूंगी। मैं आऊंगा। दामाजी चलता हूँ। चलता हूँ। दामाजी। अपना ख्याल रखना। बाय। डैड, इस घड़ी को यही रहने दीजिए। जब हम वापस आएंगे तो हमें काम आएगी। पोते ने बिल्कुल ठीक कहा। ये गाड़ी मुझे उसकी याद दिलाती रहेगी। रामू, ये पेटी उठा के मेरी गाड़ी में रखो। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। जल्द से जल्द काम पूरा करके वापस आ जाना। पिताजी, हम जरूर आएंगे। दीदी, बाय। बच्चे लोग, बाय।